शायला क्षेत्र के जीवाणु सहित आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश होने से फसलों में भारी नुकसान, किसानों की बड़ी चिंता है। शायला क्षेत्र में सोमवार शाम को बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरने और तेज हवाओं के कारण खेतों में किसानों की फसलें खराब हो गई। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों में मायूसी छा गई। बारिश के साथ कई स्थानों पर हुई ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलने से किसानों की फसलें सॉफ्ट हो गई। सायला क्षेत्र के दहीवा, डाबली, सिराणा, जीवाणा, सांगाणा, तेजा की बेरी, बावत्रा, मैंगलवा सहित गांवों में ओलावृष्टि से जीरा, इसबगोल, अरंडी और सरसों की फसलें खराब हुई हैं। डाबली निवासी मोहन राम चारण ने बताया कि डाबली सहित सभी आसपास के गांवों में तेज हवा के कारण बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह से सॉपट हो गई हैं। किसानों की जीरा, इसबगोल, अरंडी और राई सहित कई फसलें खराब हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी हिमपात व मावठ होने से किसानों की फसलें खराब हुई थी। पिछले बसी फसलें अब बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि होने से पूरी तरह से तबाह हुई हैं। ऐसे में किसानों ने जल्द सर्वे कर मुआवजे की मांग की है। ऐसे में किसानों की होली का त्यौहार भी फीका नजर आया। मैं मोहन राम चारण, फावरिया नगर, ग्राम पंचायत डाबली, तहसील सायला, जिला जालौर। हमारे क्षेत्र में आज बहुत ही ज़्यादा बरसात हुई, अतिवृष्टि, ओले गिरे, बारिश के साथ बहुत ही तेज़ गति से हवा चली, जिससे किसानों की फसल जीरा, एरंडी, रायडा, इसबगोल एवं पूरी फसलें तबाह हो चुकी हैं।